हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने जो पहले वीडियो बनाई थी विंडो अपडेट को लेके, एक तरीका था कि आप जीप एडिट पे जाके, एमएससी पे जाके आप अपनी विंडो की अपडेट बंद कर सकते हैं। पर कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज़ सर, आप दूसरा तरीका बताएं, ये नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा तरीका जिससे आप अपनी विंडोज़ की अपडेट रोक सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है सारा, वैसे ही आपको करना है। आपको विंडो आर दबा के रन खोलना है। आपको जी पैडेट की जगह सर्विसेज, तो सर्विसेज डॉट एम एस सी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा था पहले, तो सर्विसेज डॉट एम एस सी ओके करेंगे। तो आपको ऐसे सर्विसेज का टैब ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है, करते रहना है। यहां पर आपको डब्ल्यू कैपिटल में विंडोज अपडेट दिख रहा होगा, तो विंडोज अपडेट पे आपको डबल क्लिक करना है और यहां से आप जनरल पे क्लिक करके मैनुअल पे जाके आपको डिसेबल कर देना है। उससे पहले, अप्लाई करने से पहले हमको एक चीज करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर जो सर्विस स्टेटस है वो रनिंग होगा, उसको आपको स्टॉप करना है। वो स्टॉप करने में 2 से 3 सेकंड लेगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ओके करना है और क्रॉस कर देना है और आपका काम हो गया। तो गाइस, ये दूसरा तरीका हो सकता है जो आपके लिए काम करेगा, जो आपकी करप्टेड विंडो या पायरेटेड विंडो को, जो आपका लाइसेंस नहीं होती है, जो आप अनऑफिशियल तरीके से यूज़ करते हो, उसको करप्ट होने से रोक लेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।